नमस्कार, खबरां दे इस बुलेटिन विच तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ अमरजीत सिंह, ते पहलां पेश ने चोणवीआं खबरां। महाराष्ट्र विच नवीं बनन वाली सरकार लई बीजेपी ते शिवसेना वालों सरगर्मियां तेज़। बीजेपी नूं 3 अते शिवसेना नूं 2 आज़ाद उम्मीदवारां दी हमायत हासिल। मनोहर लाल खट्टर ने मुड़ हरियाणा के मुख्यमंत्री वजों सहुं चुकी। जननायक जनता पार्टी के मुखी अते विधानकार दुष्यंत चौटाला ने उप मुख्यमंत्री वजों सहुं चुकी। प्रधानमंत्री मोदी वालों वधाइयां। प्रकाश सिंह बादल अनुसार बीजेपी अकाली दल गठजोड़ मजबूत गठजोड़ी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात प्रोग्राम दौरान लोगों को श्री गुरु नानक देव जी दीयां सिख्यावां ते उपदेशां ते चलण की अपील की। नरेंद्र मोदी ने 31 अक्तूबर को एकता दिवस मौके लोगों को वध चढ़ के एकता लई दौड़ विच शामिल होने लई की अपील। देश भर विच दीवियां दा त्यौहार दिवाली पूरी धार्मिक श्रद्धा ते उत्साह नाल मनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के राजौरी विच LOC ते सैनिकां नाल मनाई दिवाली। भारतीय जनता पार्टी के उगे नेता ते साबका पंजाब प्रधान कमल शर्मा का अंतिम संस्कार अज फिरोजपुर विच। ते हुण खबरां विस्थार नाल। महाराष्ट्र विच अगली सरकार बनाउण लई सत्ता विच बराबर दी हिस्सेदारी हासिल करन दे मंतव नाल शिवसेना ने अपनियां सरगर्मियां तेज़ कर दित्तियां ने। भारतीय जनता पार्टी ते शिवसेना महाराष्ट्र विधानसभा लई चुणे गए आज़ाद उम्मीदवारां दा समर्थन हासिल करन लई पूरा जोर लगा रही है। छोटियां सियासी पार्टियां अते आज़ाद विधायकां विचों 3 आज़ाद विधायकां गीता जैन, राजेंद्र राउत अते रवि राणा ने कल भारतीय जनता पार्टी नूं अपनी हमायत देण दा ऐलान कीता है। 21 अक्तूबर को महाराष्ट्र विधानसभा दीयां चोणां विच गीता जैन ने बागी उम्मीदवार वजों पार्टी के अधिकारित उम्मीदवार नरेंद्र मेहता नूं ठाणे जिले की मीरा भयंदर सीट तो हराया, जबकि बीजेपी के ही बागी उम्मीदवार राजेंद्र राउत ने अमरावती जिले की बदरनेरा सीट तो शिवसेना की प्रीति बंद नूं हराया है। इस तो पहला अचलपुर के विधायक बच्चू काडू और उन्होंने साथी राजकुमार पटेल ने शिवसेना नूं अपनी हमायत देण दा ऐलान किया। काडू प्रहार जन शक्ति पार्टी के मुखी ने दोहां पार्टियां विचाले सत्ता हासिल करन दी लड़ाई शिवसेना मुखी उद्धव ठाकरे वालों की गई बीजेपी तो उस मंग उपरंत तेज़ हुई, जिस विच उन्होंने सत्ता विच बराबर की हिस्सेदारी दे नाल अपने लड़के आदित्य ठाकरे लई मुख्यमंत्री दे अहुदे अते सेना नूं सरकार विच महत्वपूर्ण अहुदे दिते जाण दी मंग कीती सी। पार्टी ने शनिवार को इस फार्मूले नूं लागू करन लई बीजेपी तो लिखती भरोसा दिते जाण दी मंग कीती सी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि बीजेपी की अगवाई वाला गठजोड़ सूबे में एक टिकाऊ सरकार मुहैया करवाएगा। मुंबई में कल पार्टी वर्करां की एक मीटिंग दौरान दिवाली की वधाई दिंदिया उन्होंने कहा कि सूबे में सरकार बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। उन्होंने कहा कि बीजेपी विधानसभा चोणों में एक वड्डी पार्टी के तौर पर सामने आई है, तो भाजपा शिवसेना गठजोड़ को लोगों का स्पष्ट फतवा मिलया है। उन्होंने कहा कि पार्टी आने वाले 2-3 दिन तक विधानकार पार्टी का नेता चुने गए, तो इस तो बाद नवी सरकार सौं चुकेगी। उधर नैशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के नवे चुने गए विधायकों विधी मीटिंग 30 अक्तूबर को पार्टी के मुंबई स्थित सदर दफ्तर विच बुलाई गई है, जिस विच विधानकार पार्टी दे नेता की चोण की जाएगी। यह मीटिंग पार्टी के प्रधान शरद पवार की प्रधानगी हेठ होगी। मनोहर लाल खट्टर मुड़ तो हरियाणा के मुख्यमंत्री बन गए ने। कल चंडीगढ़ में एक सादा समागम दौरान हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्या ने मनोहर लाल खट्टर अहुदे की सहुं चुकाई। खट्टर तो इलावा जननायक जनता पार्टी के नेता दुष्यंत चौटाला ने भी उप मुख्यमंत्री वजों सहुं चुकी। हाल ही विच होईयां हरियाणा विधानसभा चोणां विच किसी भी पार्टी नूं स्पष्ट बहुमत नहीं मिलिया। भारतीय जनता पार्टी 90 मैंबरी हरियाणा विधानसभा विच 40 सीटां लैके सब तो वड्डी पार्टी के रूप में उभरी है। भाजपा ने बहुमत लई लोड़ीदियां 40 सीटां तो 6 सीटां घट प्राप्त कीतियां ते जननायक जनता पार्टी नाल गठजोड़ कीता ते हरियाणा विच इस बार गठजोड़ सरकार होंद विच आई। जननायक जनता पार्टी ने 10 विधानसभा सीटां ते जित प्राप्त की, जबकि 7 सीटां ते आज़ाद उम्मीदवार जेतू रहे। कल मुख्यमंत्री अते उप मुख्यमंत्री तो इलावा होर किसी भी विधायक ने मंत्री वजों सहुं नहीं चुकी। सहुं चुक समागम विच भारतीय जनता पार्टी के कौमी कार्यकारी प्रधान JP नड्डा, पंजाब के राज्यपाल VP सिंह बदनौर, पंजाब के साबका मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल, केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, RL कटारिया,
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकर, हरियाणा के साबका मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और श्रोमणी अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल भी शामिल सन। जननायक जनता पार्टी के नेता ते सूबे के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के पिता अजय चौटाला भी समागम में हाजिर सन, जो तिहाड़ जेल तो 14 दिन की छुट्टी से बाहर आए सन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मनोहर लाल खट्टर नूं हरियाणा दे मुख्यमंत्री अते दुष्यंत चौटाला नूं उप मुख्यमंत्री वजों सहुं चुकण ते वधाई दित्ती है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके खट्टर अते चौटाला नूं शुभकामनावां दित्तियां ते कहा कि ओह हरियाणा दे लोकां दीआं आसां ते इच्छावां नूं पूरा करन लई काम करनगे। दुष्यंत चौटाला दी जननायक जनता पार्टी ने सूबे विच बीजेपी दी सरकार बनाउण लई अपनी हमायत दित्ती सी, क्यों जो बीजेपी नूं सरकार बनाउण लई विधानसभा विचों लोड़ींदे बहुमत तों 6 सीटां दी घाट सी। दुष्यंत चौटाला की पार्टी ने विधानसभा चोणों में 10 सीटां जीतियां सन अते उसकी हमायत नाल सूबे विच बीजेपी की सरकार मुड़ तो होंद विच आई सी। बीजेपी नूं 7 आजाद उम्मीदवारां की हमायत भी हासिल है। श्रोमणी अकाली दल दे पैटर्न अते पंजाब दे साबका मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी नाल उन्हां दी पार्टी दे संबंध गूढ़े ने अते ओह पूरी तरह नाल सियासी तौर ते बीजेपी दे नाल जुड़े हुए ने। चंडीगढ़ विच कल मनोहर लाल खट्टर नूं हरियाणा दे मुख्यमंत्री वजों करवाए गए सहुं चुक समागम दौरान गलबात करदिआं बादल ने कहा कि उन्हां दी पार्टी अते बीजेपी विचाले गठजोड़ कायम है अते भविख विच वी इह गठजोड़ मजबूती नाल काम करेगा। हरियाणा विधानसभा दीआं 21 अक्तूबर नूं होईआं चोणां विच अकाली दल ने सूबे दे साबका मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला दी पार्टी एनएलओ नाल गठजोड़ करके चोणां लड़ियां सन, जदकि पंजाब विच अकाली दल दा बीजेपी नाल गठजोड़ है अते केंद्र दी एनडीए सरकार विच उह भाईवाले। बीजेपी नूं हरियाणा विधानसभा दीआं चोणां विच 40 सीटां हासिल होईआं ते सरकार बनाउण तों 6 सीटां पिछे रह गई सी। बादल ने इस मौके हरियाणा विच बीजेपी दी सरकार बनाउण लई जननायक जनता पार्टी दे मुखी दुष्यंत चौटाला नूं बीजेपी दे नाल ल्याउण विच महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिस सदका हरियाणा विच ना सिर्फ बीजेपी दी सरकार बनण दा राह पदरा होया बल्कि दुष्यंत चौटाला नूं वी सूबे दे उप मुख्यमंत्री दे अहुदे नाल नवाजिया गया। दुष्यंत चौटाला हरियाणा दे साबका मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला दे पोते ने, जिन्हां नाल बादल परिवार दे बहुत गूढ़े अते घरेलू संबंध ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि श्री गुरु नानक देव जी दीआं सिक्ख्यावां ते आदर्शां ने विश्व दे हर कोने विच वसे लोकां ते गहरा असर छड्डिआ है। गुरु जी ने सेवा नूं हमेशा ही सब तो वड्डी पहल दित्ती। गुरु नानक देव जी मनदे सन कि बिना किसी स्वार्थ नाल कीते गए सेवा कारजां दी कोई कीमत नहीं हो सकती। श्री गुरु नानक देव जी छुआछात वर्गियां समाजिक बुराइयां विरुद्ध मजबूती नाल खड़े होए। आकाशवाणी तो अपने मन की बात प्रोग्राम विच प्रधानमंत्री ने गुरु नानक देव जी दीआं धार्मिक यात्रावां दा जिक्र करदिआं कहा कि उदासियां दौरान सद्भावना ते बराबरी दा सुनेहा लैके उह देश तों इलावा विदेशां दे वख-वख हिस्सिआं विच गए। प्रधानमंत्री ने कामना की कि श्री गुरु नानक देव जी के 550 साल प्रकाश पुरब तो सानू सारिआं नू उन्हां दे विचारां ते आदर्शां नू अपने जीवन विच अपनाउण दी प्रेरणा मिलेगी। श्री गुरु नानक देव जी ने अपना संदेश दुनिया में दूर दूर तक पहुंचाया। वे अपने समय में सबसे अधिक यात्रा करने वालों में से थे। कई स्थानों पर गए और जहां भी गए वहां अपनी सरलता, विनम्रता, सादगी, उन्होंने सबका दिल जीत लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 31 अक्तूबर नूं देश नूं एकता दे सूत्र विच परोण वाले महानायक लोह पुरश सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती है। उन्हां देश दे पहले गृहमंत्री दे तौर ते रियासतां नूं इक करन विच बड़ा औखा ते इतिहासक काम किया। मोदी ने कहा कि 31 अक्तूबर नूं हर वार की तरह इस वार भी एकता की दौड़ का आयोजन किया जा रहा है, जिस विच समाज के हर वर्ग नाल संबंधित लोग शामिल होणगे। उन्हां कहा कि एकता की दौड़ विच इस गल का प्रतीक है कि भारत एक है ते एक दिशा वल वध रहा है ते अपने एक टीचे नूं हासिल करना चाहुंदा है। यह टीचा है एक भारत श्रेष्ठ भारत। मोदी ने कहा कि 31 अक्तूबर नूं ही देश की साबका प्रधानमंत्री श्री इंदिरा गांधी की हत्या हुई, देश नूं एक बहुत वड्डा सदमा लगा। उन्होंने इंदिरा गांधी नूं श्रद्धांजलि भेंट की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अज स्वच्छता की कहानी हर घर हर पिंड के कोने ते सुनाई दिंदी है। मोदी ने कहा कि हर पिंड के हर परिवार का व्यक्ति स्वच्छता बारे अपने तजर्बे सांझे करना चाहता है, क्योंकि स्वच्छता का यह यतन 125 करोड़ भारतीयों का यतन है ते स्वच्छता के नतीजे के मालिक भी भारतवासी ही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात राही देशवासियों नूं कानून दे राज अते अदालतां दे फैसले दा माण करन दी अपील कीती। प्रधानमंत्री दा इह बयान राम जन्म भूमि बाबरी मस्जिद विवाद बारे सुप्रीम कोर्ट दा फैसला आउण तों कुछ समां पहलां आया है। रोशनियां दा त्यौहार दिवाली कल
पंजाब समेत समुचे देश विच पूरी धार्मिक श्रद्धा ते उत्साह नाल मनाया गया। इस दिन माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। दिवाली मौके लोगों ने मंदिरों में पूजा अर्चना की, रिश्तेदार मित्रां ते सुनेहियां नूं तोहफे दे के दिवाली दीआं खुशियां सांझीआं कीतीआं। दिवाली का त्यौहार भगवान राम जी के 14 वरियां का बनवास कट्टण तो बाद अयोध्या परतन ते उन्हां दे स्वागत विच दीपक जला के मनाया जाता है। श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या विच दिवाली ते 550,000 दीवे जला के एक नवा रिकॉर्ड बनाया गया। पछमी बंगाल विच दिवाली दे नाल महाकाली की पूजा की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल रात राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और साबका राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी नाल मुलाकात की, उन्होंने दिवाली दीआं शुभकामनावां दित्तीआं। प्रधानमंत्री मोदी ने इन तिना नेतावां नाल हुई अपनी मुलाकात दीआं तस्वीरां भी ट्विटर ते पोस्ट कीतीआं। इस तो पहला मोदी ने जम्मू कश्मीर दे राजौरी अते पंजाब दे पठानकोट विच तैनात फौजी जवानां नाल मुलाकात कीती सी अते उन्होंने दिवाली दीआं वधाईआं दित्तीआं सी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल भारतीय फौज नाल दिवाली मनाउण लई जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में LOC ते पहुंचे सी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दौरा इनफेंट्री दिवस मौके होया। इनफेंट्री वालों 1947 जम्मू कश्मीर विच पाकिस्तान के समर्थन वाले घुसपैठियों खदेड़न के दिन वजो मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरहदी जिले राजौरी के आर्मी ब्रिगेड हैडक्वार्टर विखे सीधे ही पहुंचे जिथे उन्होंने LOC के तहत तैनात फौजी जवानों गलबात की। 2014 तो हुण तक यह तीजी वार है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय फौज नाल दिवाली मनाने लई जम्मू कश्मीर के सरहदी इलाके आए हैं। 2014 पहली बार सत्ता संभालने तो बाद उन्हां लद्दाख खेतर दे सियाचिन विखे जवानों नाल दिवाली मनाई सी। 2017 उन्हां उत्तरी कश्मीर दे गुरेज सैक्टर विच भारतीय फौज नाल दिवाली मनाई। 2015 1965 दी भारत पाक जंग दे 50 वरे पूरे होण ते उन्हां पंजाब दी सरहद दा दौरा किया। इस तो अगले साल उन्हां हिमाचल प्रदेश विच इंडो तिब्बतन बार्डर फौज ते जवानों नाल दिवाली मनाई। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर आगू और पार्टी के सबका पंजाब प्रधान कमल शर्मा का कल सवेरे दिल का दौरा पैण नाल देहांत हो गया। वह कोई 50 वरियां दे सन। कमल शर्मा नूं कल फिरोजपुर विच अपने घर के सामने सवेर वेले सैर करदिया दिल का दौरा पिया ते बाद विच हस्पताल विच उन्हां दा देहांत हो गया। कमल शर्मा की मौत की खबर सुन के भारतीय जनता पार्टी के कैडर विच सोग की लहर दौड़ गई। कमल शर्मा का जन्म 17 मार्च 1970 होया। 1985 तो 2003 तक कमल शर्मा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद नाल जुड़े रहे। वह भारतीय जनता पार्टी की कौमी कार्यकारिणी के मैंबर भी रहे। 2013 कमल शर्मा नूं भाजपा का पंजाब प्रधान नियुक्त किया गया। कमल शर्मा का अंतिम संस्कार अज फिरोजपुर विच कीता जाएगा। बहुत ही दुखद खबर है। आज दिवाली का दिन अज सवेरे तकरीबन 7 मैं पोस्ट देखी इन्हों कमल शर्मा जी की। सारे देशवासियों फिरोजपुर वासियों दिवाली की बधाई देंद हो सवेरे 7 पोस्ट पाई। एक उस तो बाद तुरंत ही जो घर तो बहुत सैर कर निकले गड्डी के उतरदा नाल ही, क्योंकि सैर कर घर तो जाते हैं माल रोड से तकरीबन 2-2.5 किलोमीटर दूर। उत्थे जो गड्डी तो उतरे उतरदा नाल ही गिर गए और जदों उन्होंने हॉस्पिटल लिया गया तो मौत हो चुकी थी। बड़ी दुखद खबर है। केंद्र सरकार वालों किसानों लिए वख-वख स्कीमां चलाईयां गईयां ने। इन्हां विचों सोयल हैल्थ कार्ड स्कीम अजिही स्कीम है जिस नाल किसानों नूं काफ़ी लाभ होया है। सोयल हैल्थ कार्ड स्कीम तहत किसानों के खेतों में मिट्टी की मैक्रो और माइक्रो जांच करके इस विच मौजूद तत्तों के वेरवे दर्ज होंगे ने अते किसान उसके आधार पर मिट्टी की चंगी सेहत और खादों के रूप में वाधू खुराकी तत्तों की पूर्ति कर सकते हैं। सोयल हैल्थ कार्ड स्कीम नाल किसानों वालों की जा रही अन्नवाह ते बेतहाशा खादों की वरतों को कंट्रोल करने में मदद मिली है। सोयल हैल्थ कार्ड स्कीम तहत किसानों के खेतों की मिट्टी की जांच मुफ्त की गई। मुक्तसर जिले के किसानों ने प्रसार भारती के नुमाइंदे नूं दस्या कि मिट्टी विच नाइट्रोजन फास्फोरस पोटाशियम सल्फर और जिंक आदि तत्तों की मकदार का पता लगन तो बाद उन्होंने लोड़ी मात्रा में ही खादों का इस्तेमाल किया। एक किसान ने दस्या कि हुण उस नूं खेती विच प्रति एकड़ 2,000 रुपए तक की बचत हुई है तो फसल भी वधिया हुई है। पाकिस्तानी फौज ने गोलीबंदी की उल्लंघना करदिया चल यो फिर अस सारा कुछ जो वेख्या भी साढ़े खेत की है की नहीं वो असी आपकी टिप्पणी की असी बह के गल बात की भी साढ़े खेतों से आ चीज़ तो हैगी है आ सू पानी चाहिए है। कार्ड का फायदा कार्ड का बस आपका पुछते रहने एक दूजे तो
ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਸੀ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਦੀ ਘੱਟ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਝੋਨੇ 'ਚ, ਜੋ ਵੀ ਦਵਾਈ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਨੇ ਗੋਲੀਬੰਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕੱਲ੍ਹ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਰਾਜੌਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਅਗਲੀਆਂ ਚੌਂਕੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਤੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਜੰਮੂ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸਵੇਰੇ ਕੋਈ 6:30 ਵਜੇ ਸੁੰਦਰਬਣੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੋਟਰਾਰ ਗੋਲੇ ਦਾ ਗਏ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ 'ਤੇ 2100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਗੋਲੀਬੰਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 29 ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਜਵਾਨਾਂ ਸਮੇਤ 8 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇਜ਼ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।